तेरी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, जोमेटो वाला बैठा था क्या, तो जोमेटो वाला एक्सीडेंट हुआ है आज, काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। फाइव सेवन वन जीरो बैठो बैठो, हेलमेट दे देता हूँ पहले मैडम, कैमरे लगे हुए प्लीज, 1000 रुपये का चालान कट जाता है ऑनलाइन ना। एक्चुअली क्या ना, आजकल कैमरे वाला सीन है कि है ना, वो ऑनलाइन ही भेज देते। एरिया तो मेरा है, मुझे तो पता होगा। ये देखो कैमरे, ये देखो कैमरे, ये लगे एरिया आप, अरे नहीं नहीं जब चालान काटना होता है ना तो काट देते हैं ये। 25 कुछ है ना, ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको ले जाते हैं ना तो बड़ा दिल दुखी होता है, जैसे ये कस्टमर थे। अब इनको पता ना हेलमेट लगाने समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, मतलब क्या इशू है, हेलमेट क्यों नहीं लगाते। इनको ये समझ नहीं आता है कि यार चालान कट जाते हैं आजकल है ना, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में देख के चालान कट जाता है और 1000 रुपये का चालान है, मतलब हेलमेट को सर पे नहीं रखते हैं। बोले नहीं भैया इसको मेरे को पता है, मैं तो यहीं की हूँ, यहाँ कैमरे नहीं है। तो मैंने दिखाया मैडम सामने दिख रहा कैमरे हैं, तो क्या कह रही है फिर, कह रही है वो चलते नहीं है। मैंने मैडम वो चलते ना हो, लेकिन जब चालान कटने का बारी आती है ना तो सब कैमरे चल जाते हैं। तो यार हेलमेट देखो, जब भी आप बाइक चलाओ ना, कोई कस्टमर आता है तो पहले उसको बोल दो भाई था कि प्लीज़ भाई साहब हो या बहन साहब हो जो भी है, तो बहन जी हो या भाई साहब हो, तो भैया हेलमेट पहन लो, क्योंकि देखो आपको पता नहीं चलेगा, वो हेलमेट को हाथ में लेके बैठ जाते हैं पीछे और कैमरे में। गुड़गांव दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, देखो और किसी जगह का तो मुझे पता नहीं क्या सीन है। तो ये चीज़ें होती हैं, नुकसान हो जाता है। 20-30 रुपये की ड्यूटियाँ हैं, मान लो 1000 रुपये का चलान है, ऐसे पूरे दिन में 4-5 चपड़ गंजू मिल गई तो बस फिर हो गया हमारा, तो साला कई दिन की दिहाड़ी खत्म। और चलान आप ऐसा तो है नहीं आ जाएंगे, आप भरोगे नहीं, उनको कितना पेंडिंग रख लोगे, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना उसका चलान पेंडिंग शो हो जाता है, उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी है ना 400-500 रुपये आपको पकड़ाने पड़ेंगे, जबकि कोई गलती नहीं होगी क्योंकि पुराना चालान आपका पेंडिंग है। ये दिक्कत है। पिन बताइए मैम। 8 5 ऑनलाइन है, ओके थैंक यू। देखो कितनी पूरा येलो येलो दिखा रहा है, कितनी ड्यूटियाँ, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं है। देखो पूरा येलो येलो दिखा रहा है, थोड़ा बहुत इधर इधर मूव होंगे ड्यूटी आ जाएगी शायद। अरे कौन सा चैनल है? दर्श व्लॉग। दर्श व्लॉग, दर्श व्लॉग, हाँ जी। मैं जस्ट यहाँ से ही घूम के अंदर अंदर चला गया, आप फोन ही कर लेते, यहीं से पिक कर लेता मैं आपको। ये देखो दारू, दारू पी के बिल्कुल सुन हो रखा है, इंग्लिश बोलने लग रहा है। ओके राजीव गांधी का भाई गया क्या? सोफिया ट्रेडिंग की नसबंदी हो रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। किन की? मोदी है काल के, नसबंदी करो आगे जाएगा। जनसंख्या किसकी बढ़ गई, किसकी जनसंख्या बढ़ गई? जनसंख्या अच्छा, रोजगार नहीं है, भिखारी रोडों पे कितने बड़े हैं, रोड जाम लग रही है, तो नसबंदी करनी चाहिए। कुछ कम हो, आपने करवा ली? मैं तो गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल में करवाया हूँ लाइसेंस। अच्छा हाँ बढ़िया। बैठो, दारू पीने के बाद अंकल जी डॉक्टर बन गए, कह रहे हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, सबकी नसबंदी कर दो। ये जो पिकअप है ना, मैंने यहाँ से पिकअप किया था, वहाँ से लोकेशन मुश्किल से होगी 7 मिनट की दूरी होगी, 5 से 8 मिनट लगा लो।
और ये गूगल पता कितना घुमा के लाया है, कम से कम तो 7-8 किलोमीटर घुमा के लाया है। मतलब बिल्कुल ही बगल में लोकेशन दी है तो गूगल, और जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार इतना दूर तो मेरा घर नहीं था और पहुँचे तो गलत लोकेशन दिखा रहा था ये, मतलब लोकेशन दिखाई ही रहा था, या तो इन्होंने लोकेशन गलत बुक की है, ऐसे हुआ। मतलब इनको जाना जहाँ था ना वहाँ की लोकेशन नहीं डाली शायद इन्होंने ना। अब भी ये मतलब मैं जहाँ का ड्रॉप करने जा रहा हूँ ना तो ये गूगल कह रहा है आप गलत जा रहे हो, तो इन्होंने लोकेशन गलत डाली आई थिंक ना। तो गाइस आज अपना है 8वां दिन, 8वें दिन के बज चुके हैं 10:45 और अभी मैं हूँ साइबर सिटी में, वही अपना गुड़गांव का अमेरिका, इसी के अंदर घूम रहा हूँ। होम लोकेशन डाल दी है मैंने पर ड्यूटी नहीं आ रही, सारी छोटी छोटी इधर उधर की आ रही है। वेट करते हैं आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना चलते हैं। आज काम बहुत ही कम हुआ है, काफ़ी छोटी छोटी ड्यूटी आती, जिस दिन बड़ी ड्यूटी मिल जाती है ना, मान लो कि 100-150 रुपये की मिल जाती है ना, उस दिन कवर हो जाता है। वरना सच्चाई ये है कि छोटी छोटी ड्यूटियों में ना आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा वेट कर दें, देखो शायद आ जाए कोई ड्यूटी ठीक ठाक सी। उत्तरी एक्सीडेंट हो गया, जोमेटो वाला बैठा था, जोमेटो वाले आज काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिले मुझे। हाँ जी, ये रॉन्ग साइड आते, ऐसे दिक्कत इनकी वैसे होती है रात में, इतने एक्सीडेंट होते हैं रोडों पे, इतने मतलब हर 10-15 मिनट बाद मुझे ना गुड़गांव में एक्सीडेंट देखने को मिलता है, इतने बुरी गाड़ियां चलाते हैं रात के टाइम पे।